सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। ऐप बना करके मुस्लिम औरतें जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती हैं, उनकी फोटोज वहां से लेकर के और उनके साथ गलत हरकतें कि उनकी नीलामी कर रहे हैं, उनको जो है इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये इस देश में होगा? एक तरफ जो है धर्म संसद के नाम से बड़े बड़े लोग खुलेआम मुसलमानों को मार देंगे, उनको यहां से निकाल देंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यानी संविधान के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली से लेकर देश में कोने कोने में यह हो रहा है। और मैं सरकारें चुपचाप बैठी हैं। मैं इस देश के राष्ट्रपति से, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुहार लगाता हूं, सरकारों से गुहार लगाता हूं कि ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, मुस्लिम औरतों की फोटो निकाल करके इस तरह से उनको बेच रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और असल में यूएपीए ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो देश की एकता को भंग कर देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी हो, सरकार चाहे तो एक दिन में इसकी इंक्वायरी कर सकती है, कौन लोग इसके पीछे हैं सब सरकार मालूम कर सकती है, और तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई हो और सब कानून लगे ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकतें करने ना पाए। मुस्लिम लड़कियां बराए फरोख्त एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम बुल्ली बाई है। इसमें मुस्लिम बच्चियों की, औरतों की तस्वीरें डाली गई हैं और उनकी डील हो रही है, उसको बेचा जा रहा है। क्या ऐप बनाने वाले इसको पसंद करेंगे कि उनकी माँ, बहन, बेटी, खाला, फूफी की इसी तरीके से कोई तस्वीर डाले और उसके साथ ये हरकत करे, जब वो अपने इन लोगों के लिए ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं तो फिर इन औरतों की, इन बच्चियों की तस्वीरें क्यों डाली है उन लोगों ने और उनके साथ इतना भोंडा सलूक क्यों किया जा रहा है? वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, किसी की माँ है, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है जो काबिले अफसोस भी है और काबिले मजम्मत भी है। और इन पर रज़ा एकेडमी मुतालबा करती है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम इस बात की मजम्मत करते हैं और हम हिंदुस्तान की औरतों को गैर महफूज होने नहीं देंगी। और हम प्रियंका चतुर्वेदी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो एमपी हैं, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है सख्त कार्रवाई का और उनके मुतालबे पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इन लोगों पर ये मालूम हुआ है, ये एफआईआर सर्दखाने में ना डाला जाए बल्कि उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से लेगी और इन पर सख्त कार्रवाई करेगी।